शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने वाले स्कॉलर्स डेन के द्वारा स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया, ताकि कोई भी प्रतिभावान विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रह सके। इसी उद्देश्य के साथ स्कॉलर्स डेन के द्वारा एक स्कॉलरशिप परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में भारी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। बाद में रविवार को स्कॉलर्स डेन द्वारा राइज छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा को देने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा दे केंद्रों पर उपस्थित हुए। राइज स्कॉलरशिप परीक्षा स्कॉलर्स डेन में प्रवेश लेने के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। 100% स्कॉलरशिप प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराती है ये। इसके माध्यम से छात्र मेडिकल इंजीनियरिंग और फाउंडेशन जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मुरादाबाद में रहकर ही IIT और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। राइज परीक्षा के आयोजन कराने का उद्देश्य प्रतिभावान बच्चों को शैक्षिक और आर्थिक सहायता पहुंचाकर मार्गदर्शन करना है, ताकि वो जीवन में अपने सपनों को साकार कर सकें और अपनी सही मंजिल तक पहुंच सकें। ये राइज 3 का हम लोगों ने आज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए, जिसके जरिए उनको एक अच्छा सा स्कॉलरशिप मिलता है। साथ साथ में उनको किस बैच में जाएंगे स्पीड के अनुसार, जितना मार्क्स के बेसिस पे उस बेसिस पे हम लोग बैच बनाते हैं, ताकि बच्चा एक एक बच्चा जो हमारा है एग्ज़ाम के थ्रू आके वो इम्प्रूवमेंट करे, वो हमारा एक मकसद रहता है। और साथ साथ में बच्चों के अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाता है, ताकि उसका उसके जो माता पिताजी का ये है बर्डन है फीस का, वो थोड़ा कम जाता है और इससे आसान हो जाता है उसका एडमिशन प्रोसेस। लगभग कितने बच्चों ने भाग लिया? लगभग इसमें सर 150 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। मतलब जो परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उसको संस्था द्वारा आपके स्कॉलरशिप दिए? स्कॉलरशिप दिया जाएंगे, यस सर। तो ये हर साल आप आयोजित करते हैं? या हर साल आयोजित करते हैं, और इसमें काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी बच्चा इसका लाभ उठाते हैं इस एग्ज़ाम को देने के बाद।